अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हम आपको आलू अंडे के कबाब बना के दिखाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू ते अंडे दे कबाब बना के तुहानू खानी आ। अद्धा किलो साढ़े आलू ने, आलूआं नू कद्दूकश कर लेना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इनको हमने बॉइल करके रख ली है। हाँ बिल्कुल, आलूआं नू सारे आलूआं नू कद्दूकश कर लेना। नाल असा चार अंडे उबाले ने, उन्होंने भी कद्दूकश कर लेने। आलू असा कद्दूकश कर लेने ते इहदे विच ही अंडे भी कद्दूकश कर लेने ने। इस तरीके ना सारे अंडे भी कद्दूकश कर लेने ने। अंडे भी सारे असा कद्दूकश कर लेने ते उन विच मसाले मिक्स कर लगे हैं। थोड़ा सारा धनिया, बिस्मिल्लाह रहमान, थोड़ा सारा पुदीना, एक छोटी प्याज, तीन हरिया मिर्चा, एक चम्मच अदरक ते लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच सुखा धनिया, अद्धी चम्मच हल्दी, अद्धी चम्मच सुरख मिर्च, अद्धी चम्मच दादड़ मिर्च, अद्धी चम्मच आमचूर पाउडर, अद्धी चम्मच गरम मसाला, चम्मच एक नमक। बिस्मिल्लाह रहमान, इन्ना सारिया चीज़ों नूं असीं मिक्स कर लेना चंगी तरह। सारी चंगी तरह असं मिक्स कर लें सारे मसाले, तो हूँ इन्हों के कबाब बनाने हैं। हूँ असं थोड़ा सा हथे ऑयल ला के तो कबाब बना लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरीके सारे असं कबाब बना लेने ने। बिल्कुल कबाब असं सारे रेडी कर लेने ते हूँ इन्हों तलने। एक अंडा लिया, उन्होंने चंगी तरह मिक्स कर लेना। इस तरह अंडा सारा फेंट लेना। अंडा फेंट के ते इस तरह टिक्की लैके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अंडे विच डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स दे विच लाने। इस तरह सारिया टिक्किया असी ला के रेडी कर लें, तो फिर इन्हों फ्राई करना है। इस सारे ला के सर रख लिया, तो हूँ उत्ते आयल रखे तो इन्हें फ्राई कर लगे। आयल साड़ा गर्म हो गया, बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त कबाब बने हैं। आप भी ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं कि कैसे बने हैं। माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके है और बहुत ही मज़ेदार कबाब हैं। रमज़ान में ये बनाएं, खाएं मज़े से और सबको खुश कर दें। देखें जी माशाल्लाह जी, कितना ज़बरदस्त कलर आया है, गोल्डन ब्राउन। बहुत ज़बरदस्त कबाब बने हैं। इस तरीके से हम सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे। लें जी माशाल्लाह जी, हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कबाब बने हैं, देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लुक है। खाएं भी, बहुत मज़ेदार हैं। अच्छा तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।